सब्सक्राइब करें एबीपी गंगा। आपने देखा कि कल का मैच एशिया की दो टीमों के बीच था, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने का फैसला किया, जो कि थोड़ा सा मुझे डाउटफुल लगा, क्योंकि वो टीम अफगानिस्तान टीम जो कि इस वर्ल्ड कप में जिस चीज़ के लिए वो जाने जाते हैं वैसी क्रिकेट नहीं देखने को मिली इनसे। बट अफगानिस्तान ने पहले फील्डिंग करी, बांग्लादेश जब बैटिंग करने आया तो बांग्लादेश की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही। बट मैं ज़रूर ये कहूँगा कि जिस तरीके से शाकिबुल हसन ने बैटिंग करी और मुशफिकुल रहीम ने बैटिंग करी है, दोनों ही उनके सीजन प्लेयर हैं, की प्लेयर हैं। जिस तरीके की फॉर्म शाकिब ने दिखाई है इस वर्ल्ड कप में, उस एक्सट्रीम टच में नजर आए और काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अच्छी शुरुआत करी, 50 रन बनाए। और वहीं बात करें मुशफिकुर रहीम की, तो उन्होंने जिस जो की रोल था नंबर 4 का, उस पर आके बहुत ही अहम भूमिका निभाई और टीम को एक अच्छे स्कोर पे लाके खड़ा किया। टीम ने ग्राउंड बड़ा था, विकेट थोड़ा स्लो था, रन बनाना उतना आसान नहीं था। अफगानिस्तान के बॉलर्स स्पिन अटैक काफ़ी अच्छा था। वहीं बात करूँ अगर बॉलिंग की, तो अफगानिस्तान के मुजीबुर रहमान ने काफ़ी अच्छी बॉल डाली कल, उनको ऐसा लगा बांग्लादेश बॉलर पिक नहीं कर पा रहे थे। बट बांग्लादेश ने एंड में काफ़ी अच्छा स्कोर खड़ा किया, 262 रन उस विकेट पे जो स्लो था, बॉल थोड़ा टर्न हो रहा था, बड़ा ग्राउंड था, इंग्लैंड के वर्ल्ड कप ग्राउंड्स के हिसाब से बड़ा ग्राउंड था कल, तो एक अच्छा स्कोर खड़ा किया था बांग्लादेश टीम ने। और जब अफगानिस्तान टीम बैटिंग करने आई, तो अफगानिस्तान टीम मैच के दौरान लगातार विकेट खोती रही, जिससे वो कभी गेम में आ ही नहीं पाए। शुरुआत में उनके कप्तान गुलबदीन नायब ने 47 रन की पारी खेली, नीचे शनवारी ने अच्छी बल्लेबाजी करी, बट छोटी छोटी पारियां खेली की, बड़ा स्कोर में उस पारी को कन्वर्ट नहीं कर पाए, जिसकी बदौलत अफगानिस्तान ये मैच काफ़ी बड़े मार्जिन से हारा है। और यही देखने को मिलेगा कि आगे आने वाले मैचेस में अफगानिस्तान कैसी क्रिकेट खेलता है, क्योंकि जिस तरीके की क्रिकेट अफगानिस्तान खेलता है वो क्रिकेट अभी उनके द्वारा देखने को मिली नहीं है। और बांग्लादेश की बात करें, तो बांग्लादेश काफ़ी कॉन्फिडेंट होगा, वो अभी भी उनके ड्रेसिंग रूम में वो बात कर रहे हैं कि अभी भी वो क्वालिफाई कर सकते हैं टॉप 4 में, जिस तरीके की क्रिकेट वो खेल रहे हैं, जिस तरीके की बैटिंग उनकी एज अ यूनिट बैटिंग बहुत ही अच्छी हो रही है। शाकिब की बात करें, मुशफिकुर रहीम की बात करें, तमीम की बात करें, तो सारे बैट्समैन काफ़ी अच्छे टच में नज़र आ रहे हैं। और मैं यही होप करूंगा कि बांग्लादेश टीम आगे चल के टॉप 4 में क्वालिफाई करे।